मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश के मौसम पर एक नजर डालते हैं। 15 अगस्त भी चली गई है लेकिन अभी भी राजस्थान के किसानों के लिए बारिश का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। हालांकि लंबे समय के बाद पश्चिमी राजस्थान के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव प्रणाली विकसित हो रही है जिसका असर वैसे तो राजस्थान में 18 तारीख को ही दिखना शुरू हो जाएगा लेकिन पश्चिमी राजस्थान 20 से लेकर 23 तारीख तक यह सिस्टम अच्छी बारिश दे सकता है लेकिन लगता है तब तक काफी देर हो जाएगी क्योंकि पश्चिमी जिलों में वर्षा की कमी के कारण अधिकांश खड़ी फसलें क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि हो सकता है आगामी बारिश कुछ हद तक खराब हुई फसलों को पुनर्जीवित कर सके। खैर अब तो किसानों की उम्मीदें बाकी रह गई है। बीकानेर, जोधपुर, जालोर, नागौर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, सिरोही, उदयपुर में बारिश की काफी कमी है। हालांकि इन जिलों पर कई बार काले बादल भी छाए लेकिन आस अधूरी रह गई। तस्वीरों में देखिए कम बारिश के कारण फसलों का क्या हाल हो गया। वैसे राजस्थान के पूर्वी भागों में जुलाई के अंतिम सप्ताह के दौरान भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश दर्ज की गई और यह बारिश अगस्त के पहले सप्ताह तक जारी रही लेकिन पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्से लगभग सूखे ही रह गए। हालांकि एक बार फिर मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग की माने तो 20-22 तारीख के आसपास दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावना है यानी कि जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, उदयपुर यहाँ पर बारिश का सिलसिला शुरू होगा और 22-23 तारीख के आसपास उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के भी कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है जैसे बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ यहाँ पर भी। बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम अच्छी बारिश दे सकता है। हालांकि 20-22-23 तारीख का इंतजार है वह काफी लंबा है। किसानों के लिए अब ज्यादा उम्मीदें बची नहीं है क्योंकि तब तक हो सकता है फसलें सूख जाए। हालांकि आने वाले दिनों में अगर बारिश होती है तो कुछ स्थानों पर फसलों को जीवनदान जरूर मिलेगा। जो पशु परेशान है भूख के मारे उनको कहीं न कहीं बड़ी राहत मिलेगी। देखिए वैज्ञानिकों ने बताया है कि मौसम का पूरा पैटर्न बदल चुका है और इसके जिम्मेदार हम सब हैं। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, वातावरण दूषित हो गया जिसकी वजह से कई जगह बारिश होती है तो काफी ज्यादा होती है और कई जगह बारिश लंबे दिनों तक नहीं होती जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा किसान पर पड़ता है। खैर फिलहाल उम्मीद यही करते हैं कि 20-22 तारीख के आसपास पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में अच्छी बारिश हो ताकि वहां के किसानों को और पशुओं को कुछ राहत मिल सके क्योंकि अकाल पड़ना, बारिश ज्यादा होना ये एक प्राकृतिक आपदा है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो यही थी प्रदेश के मौसम को लेकर आज की बड़ी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।